जरीपटका इलाके के तथागत चौक के पास हार्डवेयर की दुकान के सामने कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गर्जन और बार संचालक हेमंत पाली के भाई प्रदीप पाली गुरु नानकपुरा कमाल चौक रोड निवासी ने दुकान के प्रबंधक पर बंदूक तान दी। मामला जरीपटका थाने पहुंचा, आरोपी प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जरीपटका इलाके के तथागत चौक के पास एक हार्डवेयर दुकान के सामने कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गर्जना बार संचालक हेमंत पाली के भाई प्रदीप पाली गुरु नानकपुरा कमाल चौक रोड निवासी ने दुकान के प्रबंधक पर बंदूक तान दी। मामला जरीपटका थाने पहुंचा, आरोपी प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई थी। मेरा सीमेंट का काम है, मेरे यहाँ दो गाड़ियाँ लोड हो रही थी, उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, मेरे दुकान के सामने खड़ी किया तो मैंने उसको बोला थोड़ी हटाओ, उन्होंने गाली गलौज किया और पिस्तौल निकाला। वो गाड़ी हटा रहा यार, उसने जोर से पटका और लोड किया, वो क्या बोलते उसको बाउजर एक ही है। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी तथा कच्चो या ठिकाणी जो मैनेजर होता, तो मैनेजर ने एका व्यक्ति में प्रदीप पाली नामक व्यक्ति ने त्याची गाड़ी त्या दुकानच्या समोर लावली, त्यावरून सदर मैनेजर आणि सदर वाहनचा मालक प्रदीप पाली यांच्यामध्ये वाद झाल्यानंतर सदर आरोपीने त्यांच्याजवळ असलेली पिस्तल लावली आणि धमकावलं। सदर बाबत पोलीस स्टेशनला 294/506 गुन्हा दाखल झालेला आहे, तपास सुरू आहे। सदर आरोपीकडे जे लायसन्स आहे त्याच्याकडे लायसन्स आहे, त्याची आम्ही इन्क्वायरी करत आहोत। आता तपास सुरू आहे, तपास झाल्यानंतर सदरची माहिती तपासामध्ये काय आढळते लायसन्सबद्दल त्यावर आम्ही पुढची कारवाई करू। आरोपीला काय अटक करण्यात आली? हो, अटक करून सोडण्यात आलेले सूचना पत्र। पुलिस के अनुसार रूपचंद मूलचंदानी उम्र 60 साल ने जरीपटका थाने में आरोपी प्रदीप पाली के खिलाफ शिकायत दर्ज की। रूपचंद की तथागत चौक में हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी नामक हार्डवेयर की दुकान है। गुरुवार को दोपहर में प्रदीप पाली अपनी कार से पहुंचे और दुकान के सामने कार पार्क की। रूपचंद ने प्रदीप को कार दूसरी जगह पार्क करने के लिए कहा तो प्रदीप आग बबूला हो गया और धमकी देते हुए रूपचंद पर लाइसेंस बंदूक तान दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।